अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 3। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि ऑटो कैड को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, ऑटो कैड 2015 को इंस्टॉल कैसे किया जाता है और कस्टम इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है या इसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है। तो प्रीवियस लेसन में हमने ऑटो कैड को डाउनलोड करना सीखा था कि डाउनलोड कैसे किया जाता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपने ऑटो कैड को डाउनलोड कर लिया होगा। और अब हम इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ऑटो कैड को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो ऑटो कैड की इंस्टॉलेशन के लिए मेरे पास यहाँ पे ऑटो कैड 2015 की जो लोकेशन जहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया था वहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे पास। इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पे सेटअप है, इस सेटअप पे क्लिक करता हूँ तो सेटअप यहाँ से ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप जब ऑटो कैड आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बस डायरेक्ट यही सेटअप यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसे सेटअप स्टार्ट नहीं होता, सामने ये ऑप्शन नहीं आता, तो आप अपनी लोकेशन में जहाँ पे आप इसको सेव कर रहे हैं, सेव जहाँ पे आपने किया है, इसको डाउनलोड किया है, तो वहाँ से आप इसको इसके सेटअप को यहाँ से अपने रन करना है। रन करेंगे तो आपके पास ये सेटअप सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो वो इंग्लिश ही लैंग्वेज है। उसके बाद इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, तो अगर आपके पास कंप्यूटर में स्पेस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें तकरीबन 4 GB तक आपके पास स्पेस होना चाहिए, तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। अगर आपने कस्टम इंस्टॉलेशन करनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कस्टम इंस्टॉलेशन करें, क्योंकि कस्टम इंस्टॉलेशन में ऑटो कैड के अलग से जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑटोडेस्क 360 है और पता नहीं रिवर्ट और पता नहीं कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसमें पड़े हुए, क्योंकि इसका एक पैकेज है, स्विफ्ट है, और स्विफ्ट में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस पड़े हुए हैं इसमें, तो वो सारे के सारे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके उससे आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा और स्पेस भी आपके हार्ड डिस्क में, सी ड्राइव में ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसके लिए आपने इंस्टॉल टूल्स एंड यूटिलिटीज पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कस्टम इंस्टॉलेशन देखें। अब यहाँ पे नेटवर्क लाइसेंस मैनेजर है, ऑटो कैड मैनेजर टूल्स हैं, देख सकते हैं काफ़ी सारे टूल्स हैं, तो यहाँ से आप उनको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा इसका फायदा ये कि आप इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, लोकेशन मेरे पास सी में ही सेव है, तो आपने भी इसको सी में ही सेव करना है। अब इसमें देखता हूँ मैं कि इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, तो ये देखें, एक ये है नेटवर्क है और लाइसेंस सर्वर है, दूसरा ये है मेरे पास, तीसरा कॉन्टेक्ट है, इंस्टॉल कन्फिगर नेटवर्क कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ से इसको बेसिकली मैं इसको बैक चाहता हूँ और मैं देखता हूँ नेक्स्ट स्टेप जो है इंस्टॉल। अब मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो यहां से मैं डायरेक्ट इंस्टॉल करूंगा, तो यहां पे मेरे पास उसमें सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं है, शायद आपके पास भी ना हो, आपने डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेना, इसको इंस्टॉल कर लें तो ये डायरेक्ट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब इंस्टॉल होगा तो आपसे यहां पे कंट्री रीजन मांग रहा है, तो आपने यहां पे पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, इसको पाकिस्तान सेलेक्ट किया मैंने इसमें, और उसके बाद मैं यहां से इसको एक्सेप्ट करता हूं, आई रिजेक्ट लिखा हुआ, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे यहां पे और नेक्स्ट कीजिएगा यहाँ से। अब यहाँ पे देखें, कह रहा है कि आपने ट्रायल वर्जन, ये ट्रायल आपने करना है 30 डे के लिए, या आपके पास प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन या सीरियल नंबर और प्रोडक्ट की है, तो हमारे पास प्रोडक्ट की भी है और सीरियल नंबर भी है जो कि हमारे मेल में सेव किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन मैंने आपको बताया भी था कि जब आप इसको वेरीफाई करते हैं, अपना अकाउंट नंबर सही दीजिएगा, तो उसमें आपकी प्रोडक्ट की आ जाती है। तो मेरे पास, मैं यहाँ पे देखता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले मैंने ये डाउनलोड किया था, तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट की पड़ी भी होगी, तो मैं वहाँ से इसकी प्रोडक्ट की लाइसेंस की जो है तो इसको दूंगा। तो आपके पास भी प्रोडक्ट की होगी, क्योंकि हमने जब डाउनलोडिंग का स्टार्ट तरीका मैंने बताया था आपको, तो उसमें आपने अपना अकाउंट दिया होगा, तो आपके अकाउंट में उसमें मैसेज आया होगा, तो आपने वो सारे स्टेप फॉलो किए होंगे, तो उससे आपके इसमें वो होगी। तो मेरे पास ऑटो कैड देखें, ऑटोडिस्क, और यहाँ पे मेरे पास ऑटोडिस्क में जी तैमूर परवेज एक्टिवेट 3 ईयर स्टूडेंट वर्जन लाइसेंस, और इसमें मैं क्लिक करता हूँ। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं इसके, इसलिए इसमें मुझे काफ़ी सारे मैसेज आए हैं यहाँ पे। ओके, ऑटो कैड है, ऑटोडेस्क में, ऑटोडेस्क कम्युनिटी है एक्टिवेट जो है, 3D Studio Max का यहाँ पे देखें दे रहे हैं, तो 3D Studio Max तो नहीं है मेरे, तो ऑटो कैड है, तो ऑटो कैड के लिए मेरे पास नीचे यहाँ पे कोई पड़ा हुआ होगा।
ये तो ये जी यहाँ पे देखता हूँ जी, थ्री ऑटो ऑटोडेस्क ऑटो कैड 2014 वर्जन है, देख सकते हैं। तो मेरे पास 2015 है, तो 15 के इससे ऊपर होगा। ऑटो कैड 2015 देखिए यहाँ पे आ गया। तो ऑटो कैड 2015 जो है, तो इसकी प्रोडक्ट की और लाइसेंस मेरे पास यहाँ पे दे दिया गया। और इसको आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, प्रोडक्ट की को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल और सी, कंट्रोल सी करें यहाँ से, और यहाँ पे ले जाके तो प्रोडक्ट क्यूब के ऊपर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें। देखें ये हो गया बस, इसका जो प्रोडक्ट की सही है। और अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी सीरियल की सीरियल नंबर आपने यहाँ से इसको भी कॉपी करें, यहाँ से कॉपी, और यहाँ ले जाके इसके ऊपर यहाँ पे रख के कंट्रोल वी पेस्ट कर दें। तो मैं दोनों को अलग अलग करता हूँ क्योंकि दोनों बॉक्स अलग अलग से। तो उसके लिए पहले मैं इस 900 को मैंने करता हूँ, कॉपी करता हूँ और फिर 7 वाले को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी और कैन कंट्रोल भी पेस्ट, या फिर राइट क्लिक इसके ऊपर करें, करने बाद अगर कंट्रोल सी नहीं हो रहा, राइट क्लिक करके कॉपी करें और यहाँ पे ले जाके राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके यहाँ से पेस्ट कर दें। ओके अब नेक्स्ट करें यहाँ से नेक्स्ट। अब यहाँ पे दोबारा वही ऑप्शन दे दिया इसने कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर अपने डाउनलोड करने हैं, तो आप वहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ तक अपने वापस आना है। और यहाँ पे आप देखें 360 है। अब 360 का फंक्शन क्या होता है कि ये आपका ऑनलाइन, आपने अगर कोई भी इसमें कोई मैप्स वगैरह कोई भी चीज़ आप लेना चाह रहे हैं, या फिर आपने कोई टूल्स की ट्यूटोरियल देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं कि इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है, किस तरह से काम होता है, तो आप यहाँ से 360 ले सकते हैं। उसके बाद ऑटोडेस्क रिकैप, रिपैक में, रिकैप में क्या है कि ये आपका क्लीन करता है, आपके डेटे को बिल्कुल साफ रखता है, मतलब वायरस वगैरह इन चीज़ों से बचाता है आपके डेटे को। और ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2015 जो है, तो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें सेव रहते हैं। देखें एप्स मैनेजर है, एक फ्यूचर प्लगइन है ऑटोडेस्क के, और ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो टिपिकल इंस्टॉल टैब, टिपिकल करते हैं टिपिकल कर सकते हैं, और नॉर्मल रखना चाह रहे हैं तो नॉर्मल रख सकते हैं। कस्टम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करके आप देखें, देखें इसमें कितने ज़्यादा यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए कितने ज़्यादा चीज़ें हैं, डेटाबेस है, डिक्शनरी है, ड्राइंग्स, बहुत कुछ है यहाँ पे पड़ा हुआ, तो आप यहाँ से सारे काम कर सकते हैं। टिपिकली मैं करता हूँ, ओके बैक जाता हूँ यहाँ से। और उसके बाद है ऑटो गेट रिकैप के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं जी, और यहाँ पे इसमें क्या क्या है, इनेबल बैक करता हूँ उसको भी, और यहाँ से बस इंस्टॉल कर लेता हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं चाहिए तो उसको हम रिमूव कर लेंगे, रिमूव करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसके लिए आप इंस्टॉल पे क्लिक करें, अब ऑटो कैड आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमेशा कि ऑटो कैड के इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास एक फाइल होती है जिसको कहते हैं ASP.NET, वो आपके पास जो ASP.NET है वो 3.2 होनी चाहिए। तो जो हमने पहला लेसन देखा तो उसमें मैंने आपको ऑटो कैड को इंस्टॉलेशन और डाउनलोड करने के लिए जो सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है वो सारी मैंने आपको बताई थी कि उसमें क्या क्या चीज़ होनी मस्ट है रिक्वायरमेंट में। तो उसके लिए जो है, तो आपके पास हार्डवेयर डिस्क में ये होना ज़रूरी है। तो आपके पास नेट कनेक्ट होगा, अगर वो इंस्टॉल नहीं हो रहा तो वो आपसे कहेगा यहाँ से कि आप वो फीचर जो है 3.2 इंस्टॉल नहीं हो रहा, आप उसको डाउनलोड करें। तो आप डायरेक्ट आपने डाउनलोड करना स्टार्ट कर लेना है। तो मेरे पास अगर वो ऑप्शन देते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज अगर आपके पास वो नहीं है ऑप्शन, वो ऑप्शन आता है तो आपने वो उसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करेंगे तो ये डायरेक्ट आपके पास इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपसे वो ऑप्शन नहीं मांगता तो फिर आपका डायरेक्ट इंस्टॉल होगा, अगर आपसे ऑप्शन मांगते तो आपने डाउनलोड करना मस्ट है, आपने डाउनलोड करना नहीं भूलना। तो मैं वो बता देता हूँ आपको वो कहाँ पे जी, सिस्टम रिक्वायरमेंट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट
लेसन नंबर टू में आई थिंक। यहाँ पे देखें ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है, यहाँ पे ये चीज़ और इसके लिए ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, उसके अलावा 32 बिट्स और 64 बिट्स के लिए ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, नेटवर्क क्या है, मेमोरी क्या होनी चाहिए, डिस्प्ले डिस्प्ले और डिस्क स्पेस, पॉइंटिंग, ब्राउजर कौन सा होना चाहिए, टूल। ये देखें डॉट नेट फ्रेमवर्क है यहाँ पे, ओ मैंने सॉरी पहले मैंने बताया था ASP डॉट नेट नहीं सॉरी डॉट नेट फ्रेमवर्क जो आपके पास होनी चाहिए वो 4.5 वर्जन के होनी चाहिए। अगर ये 4.5 वर्जन की नहीं है आपके पास तो ये आपको ये ऑप्शन देगा, आपसे कहेगा कि आप इसको डाउनलोड करें 4.5 वर्जन को, तो आपने ये डाउनलोड करना ज़रूरी है, आप इसको डाउनलोड करेंगे क्योंकि आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्ट है तो, अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो आप फिर डाउनलोड नहीं कर सकते, तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्ट होना मस्ट है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की, तो इसको डाउनलोड जब तक होता है। स्टूडेंट्स उसके अलावा जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है आप इसके ऊपर भी क्लिक करके आप देखें तो आपको यहाँ पे भी एक सिस्टम रिक्वायरमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है इसने, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट भी दे देगा कि सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें आपको इसमें सिस्टम में होनी ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको ऑटोडेस्क में ले जाएगा और वहाँ से आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट भी बता देगा किसके लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या है। उसमें जब आप डाउनलोड कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट ये बता देता है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, उसमें भी नीचे ऑप्शन होता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अब यहाँ पे ये आपको देगा जी सिस्टम रिक्वायरमेंट, ये देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन है, मेमोरी है, मीडिया, इसमें भी देखें 4.5 वर्जन दिया हुआ है इसने .NET फ्रेमवर्क का। तो ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि बहुत मस्त है ऑटोकैड की इंस्टॉलेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे अब इसके तकरीबन कंप्लीट हो गए, 0 of 18 रिमेनिंग, तो ऑटो कैड इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट तकरीबन हो गई है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा तो आपके भी इंस्टॉलेशन में काफ़ी टाइम लग सकता है आपके इंस्टॉलेशन में भी। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं इसमें ऑटो कैड के इंस्टॉलेशन में, अगर आप ये आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है कि आपकी रैम कितनी है या फिर प्रोसेसर कौन सा है। तो बेसिकली मेरे पास जो लैपटॉप है ये कोर i5 है, तो इसमें तो इतना टाइम नहीं लगेगा लेकिन आपके सिस्टम में मे भी कुछ ज़्यादा टाइम लगे। तो ये कंप्लीट हो गया इंस्टॉलेशन इसकी, अब इसके बाद अब फिनिश पे क्लिक करें और कह रहा है आपने रिस्टार्ट करना है अपने सिस्टम को, तो आप इसको रिस्टार्ट करेंगे तभी जाके स्टार्ट होगा, तो मैं इसे रिस्टार्ट नहीं करना चाहता फिलहाल, तो मैं नो पे क्लिक करता हूँ, तो आपने रिस्टार्ट करना है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ऑटोडेस्क मेरे पास ऑटोकैड इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोकैड 2015 इंस्टॉल हो चुका है, क्लिक करता हूँ मैं इसको, तो मेरे पास फर्स्ट इंटरफेस यूज़र फर्स्ट यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओके ये देखें ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2015 ओपन हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, जिस तरह हमारे पास पहले वाले जो ऑटोकैड था तो उसमें सिर्फ हमारे पास सिर्फ टूल बार थी, स्टैंडर्ड टूल बार थी, उसके अलावा मॉडिफाई और ड्रॉ टूल बार थी, तो इसमें उसके अलावा बहुत ज़्यादा इंटरफेस दिया हुआ है, आप 3D मॉडलिंग सॉलिड एडिटिंग भी कर सकते हैं इसमें, मैकेनिकल स्ट्रक्चर मैकेनिकल ड्राइंग्स भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स भी इसमें बना सकते हैं, और सॉलिड एडिटिंग मीन आपने कोई सॉलिड चीज़ बनानी जिस तरह आपने मैकेनिकल स्ट्रक्चर वगैरह बनाने होते हैं तो सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। बस यूँ समझें कि आपका एक सॉफ्टवेयर है ये ऑटोकैड, जो जितने भी न्यू ऑटोकैड 2014 हो गया, 2015 2013 ये जितने भी हैं इनमें नया इंटरफेस यूज़ हुआ है, जैसे कि रिबन जो कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 और 10 में देखा था, एक नई चीज़ ओपन हुई थी रिबन जिसे कहते हैं, वही चीज़ें इसमें भी हैं। इसमें ऑनलाइन आप अपना डेटा जो भी आपने फाइल्स बनानी है आप उनको ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो, उसके अलावा आप ऑनलाइन काफ़ी सारे टेम्पलेट्स में ले सकते हो, वर्किंग फाइल आप ले सकते हो जिन भी आप काम करना चाहो।
आपने अगर 3D काम करना है, 3D के लिए आपको 2D ड्राइंग्स बनानी मस्ट है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप 2D ड्राइंग्स वहाँ से ले लो और डायरेक्ट आप 3D में से कन्वर्ट कर लो, 3D ड्राइंग्स में बना लो। प्रैक्टिकली वर्क और हर चीज़ के बारे में इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ होता है। तो आपके पास वेलकम स्क्रीन ओपन हो गया, देख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिन पे मैंने काम किया हुआ था, ये आपके पास डॉक्यूमेंट नज़र आ रहे होंगे। असेंबली सैम्पल है, क्लिक करता हूँ मैं, अभी ये ओपन नहीं होगा। तो स्टार्ट न्यू ड्राइंग पे क्लिक करें, तो अब देखिए आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो गया है जो कि बहुत ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहा होगा। आपके पास स्टार्ट इंटरफेस है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपको डिस्कस करूँगा कि इसमें क्या क्या रिबन्स और इसके पूरा इंटरफेस के ऊपर डिस्कस करूँगा। तो उसके अलावा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इंस्टॉलेशन हो गई, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंस्टॉल हुई, तो आप उसके लिए उन्हें रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे, मैं सेटिंग में जाता हूँ और कंट्रोल पैनल, आप डायरेक्ट कंट्रोल पैनल आपके पास डेस्कटॉप में होगा, आप वहाँ से कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे और प्रोग्राम फाइल में अनइंस्टॉल फाइल्स प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे, और जो जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि फालतू हैं, जैसे ऑटोडेस्क 360 है इसको इंस्टॉल कर दें, ऑटोडेस्क ऐप मैनेजर है अनइंस्टॉल कर दें, इसको भी अनइंस्टॉल करना है अनइंस्टॉल कर दें, सिर्फ ऑटोकैड 2015 इंग्लिश इसको अनइंस्टॉल नहीं करना। उसके अलावा जो जो चीज़ें आपको चाहिए कि आपने ऐसे इंस्टॉल हो गए, तो आप उनको यहाँ से मेन इंस्टॉल हो गया, आप उनको यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी और इंटरेस्टिंग लेसन लगा होगा। एंड चल, अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।